डिफरेंस है कंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें इंसुलेटर से, इंसुलेटर मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इंसुलेटर में ये आपका जो है बैंड, कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इन दोनों बैंड में बहुत बड़ा गैप होता है। इंसुलेटर में ये गैप इतना बड़ा होता है कि सच दैट आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ नहीं आता। तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करने वाला, ये एटम को नहीं छोड़ने वाला, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाने वाला, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत बहुत इसकी ज्यादा है। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स में या तो ये गैप होता ही नहीं, मतलब सोचो मैं अपनी क्लास उठा के मार्केट में ले लेता हूँ, बस वहां से वो बच्चा पैर बाहर रखे मार्केट स्टार्ट होगी, फ्री टू मूव, बैठ जाए तो मेरे एटम में आके बैठ जाए, मतलब गैप है ही नहीं, या ये गैप बहुत छोटा है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि इसके अंदर कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड पार्शली ओवरलैप ईच अदर, मतलब क्लासरूम ही अगर मार्केट में ले गया तो यानी कि ओवरलैपिंग हो गई, तो दे आर फ्री टू मूव, बहुत जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे इसमें, ठीक है। तो जरा सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर आ गए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये कंडक्टर्स हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स, ना कंडक्टर्स ना फिर इंसुलेटर्स, जिनके बीच में ये गैप बहुत नॉमिनल सा होता है, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं होता, इतना होता है। आप रूम टेम्परेचर से ज़्यादा एनर्जी टेम्परेचर रखेंगे तो एनर्जी मिल जाती है और इनका एटम, इनका इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के भाग जाता है, फ्री टू मूव। और अगर ठंड कर दोगे, टेम्परेचर डाउन कर दोगे, ये वापस एटम में आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में बैंड गैप बहुत बड़ा नहीं होता। सेमी कंडक्टर में बैंड गैप जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत लिखा हुआ है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। जो रेडिएशन सन की आती है, लाइट आती है, इसके फोटोन्स की एनर्जी भी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, इसीलिए सोलर पैनल में इनको यूज किया जाता है और ये सेमी कंडक्टर्स हैं, क्योंकि अगर ठंड पड़ गई, टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस वैलेंस बैंड में आ जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो एटम छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सोलर पैनल्स क्या हैं, धूप में काम करना शुरू कर देते हैं और रात को काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि वो सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमी कंडक्टर्स को इन टर्म ऑफ एनर्जी गैप। अब इसकी ना कुछ लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट सी है, वो लैंग्वेज बता देता हूँ। लैंग्वेज से पहले एक और टर्म है, ये अंडरलाइन कर लो, एट 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग द एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वन। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल व्हिच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन अ वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। मान लो 0 केल्विन है, सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हुई, ये सबसे ये 1 वाले 2 वाले 3 वाले वो रहे एंड में वैलेंस हैं, तो आखिरी बेंच वो फिल्ड है मेरा, आखिरी बेंच हो रहा जहाँ पर फिलिंग स्टार्ट हुई, तो वो बेंच या वो एनर्जी को क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज अ फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल एटम के अंदर होता है, कौन से बैंड में होता है, वैलेंस बैंड में होता है, वैलेंस बैंड एटम के अंदर है, तो वैलेंस बैंड में होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां बैठेगा उसकी एनर्जी लेवल को फर्मी लेवल बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल को फर्मी लेवल है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि 0 केल्विन पे फर्मी लेवल एज वेल एज ऑल द अदर लोअर एनर्जी लेवल्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो 0 केल्विन पे सारे फुल बैठे हैं, एटम के अंदर बैठे हैं सारे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होंगे। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। These electrons in higher energy levels are comparatively at larger distance from the nucleus and more free as compared to electrons in the lower level energy लेके वो तो भाग सकते हैं, आप भाग नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हैं, आप न्यूक्लियस के पास हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी गैप कितना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स को। तो इसके लिए जैसे मेटल या कंडक्टर्स ने बता दिया इनमें ये गैप होता ही नहीं या बहुत थोड़ा होता है, बता दिया। इंसुलेटर में ये गैप बहुत बड़ा होता है, सेमीकंडक्टर में ये गैप ठीक ठीक नॉमिनल सा होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।